बड़ी खबर है, उसी से कर लेते हैं शुरुआत की। इंडिया गठबंधन को एक और झटका लगा है। न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे नीतीश कुमार। 30 जनवरी को पूर्णिया में न्याय यात्रा है, नीतीश ने सरकारी कार्यक्रम का हवाला दे दिया। कल नीतीश से मिले थे शकील अहमद खान, न्याय यात्रा का औपचारिक न्योता दिया था। खड़गे की न्योते वाली चिट्ठी नीतीश को दी थी, लेकिन अब यह बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार अब इस राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। अब इससे कई कयास लगाए जा रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं पटना। अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, वहां आज जाएंगे। लेकिन एक और बड़ी अपडेट आ रही है, वो भी जान लीजिए कि जेडीयू सांसद का कांग्रेस पर एक बड़ा हमला सामने आया है। कांग्रेस का धुलमुल रवैया है, ये कह रहे हैं संतोष कुशवाहा। पहले सीटें फाइनल करनी चाहिए थी, बाद में यात्रा निकालनी चाहिए थी, ये कहना है कुशवाहा का। मेरी राय में इंडिया कमजोर हुआ है, संतोष कुशवाहा का बयान सामने आया है। इसी से पता चलता है कि इंडिया गठबंधन में क्या सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जेडीयू के सांसद हैं, उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का जो रवैया है वो ढुलमुल है, पहले सीटें फाइनल हो जाती, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी मामला फंसा हुआ है इंडिया गठबंधन में, और उसके बाद तब उन्हें अपनी यात्रा लेकर निकलनी चाहिए थी। संतोष कुशवाहा ने क्या कहा वो सुनाते हैं आपको। न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, यात्रा से पहले जरूरी थी राज्यवार स्थिति को तय कर लेना, उसके बाद यात्रा करते और इंडिया गठबंधन का कार्यक्रम होना चाहिए था, तभी आप मजबूत हो। माननीय मुख्यमंत्री जी से मुझे नहीं लग रहा है कि कोई उस तरीके से बात हुई है कि यात्रा में आने के लिए, और उस दिन जिस दिन पूर्णिया में यात्रा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता कहीं और है। तो संतोष कुशवाहा को आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो ढुलमुल रवैया अपना रही है। अभिषेक उपाध्याय आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अभिषेक, अभी मैंने दो खबरें बताई, एक तो ये कि नीतीश कुमार भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे, दूसरी खबर ये बताई कि संतोष कुशवाहा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ढुलमुल रवैया अपना रही है। तो इसका सीधा मतलब है कि पहले से कार्यक्रम का तय होना, उसके पहले भी जब हुई थी मीटिंग तो एक बार नीतीश कुमार बीमार पड़ गए थे, तो इसका मतलब यही निकाला जाए कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और ये हो सकता है, इसकी संभावनाएं हैं कि नीतीश बाहर भी जाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।